यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट होने के पहले हम बात करेंगे कि आप जो भी लोग अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम देने वाले हैं एमपी के लिए, स्पेशली एमपी एनएचएम एमपी एनएम की तैयारी कर रहे हैं आप, या फिर आप किसी भी एनएचएम स्टेट लेवल पे तैयारी करते हैं, तो आपको सिलेबस क्या रहेगा, आपको क्या पढ़ के जाना है, कैसे क्वेश्चंस आपके आएंगे, सीधा आपको यहाँ पर पेपर बताए जाएंगे कि आपको पेपर्स आते कैसे हैं, एनएचएम का एमपी में पेपर कैसा आता है, या फिर एमपी में स्टाफ नर्स के लिए पेपर कैसा आता है। तो लास्ट टाइम जो सेम्स ने पेपर कंडक्ट करवाए थे, अभी एमपी में जो एनएचएम और सेम्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या है, किसी रीज़न के कारण क्या है, कैंसिल हो गया है, बट जो सिलेबस पैटर्न है सेम है। और जो लास्ट डेट है आई थिंक निकल चुकी है एमपी के जो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं स्टाफ नर्स के, उसके लिए जो जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप किए हों वो लोग इस चीज़ को ज़रूर देखें, और बहुत ही जल्दी आपका एमपी ग्रुप 5 का भी रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 2021 का सिलेबस है, 2021 का सिलेबस मैंने यहाँ पर क्यों सिलेबस ऐड किया गया, इसका रीज़न ये है कि इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 2022 का सिलेबस आया था वो भी फॉलो किया गया, वो भी आपको दिखाया जाएगा अभी। बट बिफोर दैट, तो जो भी लोग एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, एएनएम वाले भी देख लें कि आपको आता क्या है सबसे ज़्यादा। लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था तो 80% आपका नर्सिंग से था, बाकी 20% नॉन नर्सिंग से था, मतलब जीके जीएस रीजनिंग करेंट अफेयर आपका ऐड किया जाता है। जब भी आप एमपी के लिए पेपर देते हैं, यहाँ पर देखिए स्टाफ नर्स का ही रहा आपका, लेकिन यहाँ पर लास्ट टाइम 20% कर दिया था, तो मे बी इस बार भी 20% आपको क्या रहेगा, 20% जीके जीएस रीजनिंग रहेगी, मतलब कि नॉन टेक्निकल और नॉन नर्सिंग वाला आपको, बाकी आपका नर्सिंग वाला सेक्शन रहेगा। क्लियर, 100 क्वेश्चन आपको आते हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सीधा पेपर देखिए कि आपको पेपर आते कैसे हैं। सीबीटी हुआ था लास्ट टाइम, एनएचएम में आपके पेपर इस तरीके से आते हैं, मेरे पास दो पेपर थे एमपी एनएचएम ने, क्योंकि अभी तक एनएचएम के थ्रू दो पेपर, एक ही बार पेपर हुआ है, उसके बाद है जो, और उसके पहले एमपी ऑनलाइन ने और एमपी व्यापम ने है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, एमपी पीबी ने या फिर एमपी ऑनलाइन के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं। फिर बीच में सेम्स ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि एनएचएम के थ्रू जो भी स्टाफ नर्स या फिर सीएचओ के एग्ज़ाम होंगे वो कंडक्ट कराएगा। तो अभी नाउ अ डेज यदि हम बात करें आपके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो पैटर्न आपका यही फॉलो किया जाएगा इस बार भी, ऐसा इसलिए क्योंकि, और इनकेस आपका एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होके भी आता है, बट आपके टॉपिक तो यही रहेंगे, 80% आपका नर्सिंग रहेगा, 20% नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट रहेंगे। अब आपको नर्सिंग में से सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है या फिर क्या आता है, तो आपको स्टाफ नर्स के पेपर की यदि हम बात करें तो सीएचओ से थोड़ा सा डिफरेंट आता है, थोड़ा सा मैंने इसलिए कहा क्योंकि सीएचओ वालों की पोस्टिंग है जो सब सेंटर पे होती है, तो उनको क्वेश्चंस जब पेपर हार्ड होता है, लेकिन स्टाफ नर्स से ज़्यादा हार्ड नहीं होता, सीएचओ का पेपर ईजी आता है एज़ कम्पेयर टू स्टाफ नर्स के। अब यदि आप एमपी के लिए स्टाफ नर्स का पेपर देते हैं, जो एनएचएम ने वैकेंसी निकाली है उसके लिए, तो यहाँ पे आपको एक बार अलग अलग स्टेट के एनएचएम के पेपर्स भी चेक करने चाहिए। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ ताकि आपके जो भी एग्ज़ाम्स आप देते हैं आपको एक पर्टिकुलर आइडिया हो कि एनएचएम किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है। क्लियर, और जो भी लोग यदि एनएचएम एमपी के लिए या फिर एनएचएम यूपी के लिए या फिर अदर स्टेट एनएचएम स्टाफ नर्स की तैयारी करते हैं या फिर एएनएम की तैयारी करते हैं, तो आपको पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे। और इनके जो भी लोग पेपर्स नहीं लेते हैं, तो मैं बता दूं कि सभी पेपर्स चैनल पर भी अपडेट हैं। अब इन पेपर्स में नई बात क्या होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्होंने ये जो जुलाई अगस्त में पेपर हुआ था सेम्स ने कराया था, उसके पेपर्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अब आपको एक बार ये चीज़ रिवाइज़ करना है यदि जिनके पास पेपर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो कि आपको पूछे कौन से टॉपिक गए थे और उस टॉपिक में से आपके और कौन से नए क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो फर्स्ट एड वाला सेक्शन मैं खुद आपको डिवाइड करके बता देती हूँ कि किस में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट एड में से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, फैमिली प्लानिंग में से 4 या 5 क्वेश्चन आपको आते हैं, इम्यूनाइजेशन से 5 क्वेश्चन आएंगे, गायनिक से आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, कम्युनिटी से 10 क्वेश्चन आएंगे,
फंडामेंटल और MSN से भी 10-10 आएंगे। फिर आपका रिसर्च से भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं स्टाफ नर्स के पेपर में। फिर आपकी आती है जो भी आपने प्रैक्टिकल बेस्ड मतलब हॉस्पिटल में काम किया उसमें से आपके 20% तक क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आप जिसको कहेंगे। फिर आपका जो सेक्शन आता है माइक्रोबायोलॉजी, जो आपका कम्युनिटी में डिसीज़ के पॉजिटिव एजेंट या फिर कैसे ट्रीट करेंगे वो कवर हो जाएगा। 3 से 4 नंबर की आपको फार्मा आती है। तो बेसिकली यदि हम कहें तो आपका सिलेबस तो वही सेम फॉलो होता है हर बार के एग्ज़ाम में, बट क्वेश्चन चेंज होते हैं। लेकिन एक चीज़ रिमाइंड रखें, आप कहीं के भी आपको NHM के पेपर मिलते हैं तो आपको उन पेपर्स को एक बार ज़रूर रिपीट करना है, मतलब कि एक बार सॉल्व करके देखना है। अब यदि आप जो भी लोग PDF लेना चाहते हैं MP की, बस मैं यहाँ पे आपको सभी जगह की PDF एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बता देती हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम के लिए। तो आपको एक बार पूरे पेपर सॉल्व करना है NHM के, MP के, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, ग्रुप 5 के आप चाहें तो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, क्योंकि जो ग्रुप 5 में क्वेश्चंस आते हैं, MP ग्रुप 5 स्टाफ नर्स की बात की जा रही है, तो उसके आपको 2 या 3 क्वेश्चंस ही NHM में रिपीट होंगे, क्योंकि ग्रुप 5 का लेवल फिर अलग हो जाता है। तो आप यहाँ पर NHM के पेपर्स के साथ साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पेपर भी एक बार ज़रूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि पिछली बार जब NHM का जिन्होंने भी पेपर दिया था और उसके पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का पेपर दिया था तो उनको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिले थे, और इस बार भी ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि आप NHM के अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पेपर सॉल्व कर लेना, साथ ही साथ CHO की भी पेपर सॉल्व करके जाएं। आप चाहें तो विदिन 4-5 डेज में पूरे पेपर सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपके 25 से लेकर 30 पेपर्स तक हो सकते हैं। 25 से 30 पेपर का मतलब है, यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ कि आपको कौन कौन से पेपर। तो ये आपके जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये आपका NHM का पेपर है, जो ऑलरेडी चैनल पे अपडेट है। जो भी लोग PDF फॉर्मेट में सॉल्व करना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं और इसको सॉल्व करके देख सकते हैं विथ ऑफिशियल आंसर की। इसके ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है जो 2021 में करवाया गया था, सेम्स ने कंडक्ट कराया था। आफ्टर दैट यहाँ पर कुछ रीज़न के कारण आई थिंक इन वैकेंसीज को ही कैंसिल मान लिया गया। फिर यहाँ पर आपके आते हैं ग्रुप फाइव के पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके रहने वाले हैं। MP NHM के पेपर भी आपको हिंदी इंग्लिश में रहने वाले हैं, मोस्ट ऑफ दी पेपर आपके हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पेपर, MP ग्रुप फाइव के पेपर, MP NHM के पेपर और MP CHO के पेपर्स जो भी लोग परचेस करना चाहते हैं उनके लिए सभी पेपर्स यहाँ पर आप फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। आपको MP NHM के जो 2 पेपर अभी तक हुए हैं वो पेपर, CHO के पेपर जिसमें आपके आई थिंक 9 या 10 पेपर रहेंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के 6 पेपर, ग्रुप 5 के 10 पेपर, तो इस तरीके से मिला के आपको ये सभी पेपर्स ओनली 250 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये तो थे MP के पेपर की बात करी हमने। अब जो भी लोग अदर स्टेट के पेपर्स भी लेना चाहते हैं कि आपको MP NHM के साथ साथ अदर स्टेट NHM के पेपर भी सॉल्व करना है, अदर स्टेट NHM के पेपर्स में आपको UP के पेपर रहेंगे जिसमें आपके, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, टोटल मिला के है जो 11 तो आपके ओनली स्टाफ नर्स के पेपर रहेंगे। यहाँ पे आपको UP के हैं जो 11 आपको NHM के पेपर रहेंगे, और साथ ही साथ आपको 20 पेपर्स आपको ग्रुप 5 के, MP NHM के, MP CHO के, MP गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के रहेंगे। 20 पेपर आपको वो रहेंगे, 11 पेपर आपको UP NHM के अवेलेबल करवाए जाएंगे, तो आपके कितने पेपर हो गए, 31 पेपर हो गए। फिर आपके आते हैं त्रिपुरा के, 3 पेपर आपको ऐड किए जाएंगे जो CHO के रहेंगे। तो यहाँ पर बेसिक सी बात है कि आपको MP ग्रुप 5 से लेके सभी पेपर्स MP के लेना है तो आपको उनका चार्ज 250 रहेगा, और यदि आप ऑल ओवर सभी जगह के NHM के पेपर जिसमें आपके UP MP बिहार राजस्थान त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश ऑल ओवर सभी जगह के विथ CHO NHM के पेपर्स लेना चाहते हैं तो आपको
उन सभी का चार्ज है जो 500 रुपीज़ लगने वाला है। मैंने आपको इतना चार्ज इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर आपको 500 रुपये में पूरी ऑल ओवर NHM की PDF अवेलेबल करवाई जाएंगी। सभी PDF में आपको ऑफिशियल सेट रहेंगे जिसमें मैंने किसी भी तरीके से कोई भी छेड़खानी नहीं की है। जो भी लोग इन PDFs को लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मे बी UP के पेपर आपको मोस्टली 40% जो सेक्शन रहेगा जो स्टूडेंट ने चूज़ किया है वो आपका हिंदी फॉर्मेट में रहेगा, बाकी आपको इंग्लिश में रहेगा। और भी आपके कोई भी डाउट वगैरह रह जाते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे WhatsApp नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।